दोस्तों नमस्ते। चढ़ाई कर रहा हूँ पहाड़ के ऊपर। जिस पहाड़ पे मैं चढ़ रहा हूँ ना, ये पहाड़ आप लोगों ने कई वीडियो में देखे हैं और मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, सुकून मिलता है जब मैं यहाँ पर आता हूँ। ठंडी ठंडी हवा मिलती है और चारों तरफ ये हरियाली देखने को मिलती है। कई बार मैं इस जगह पर आया हूँ और यहाँ से मैंने वातावरण मौसम को बदलते हुए देखा। मैं गर्मी के टाइम पर आता हूँ यहाँ पर, तो जितना भी मैदान दिख रहा है ना सामने, इस मैदान में सिर्फ एक बंजर ज़मीन दिखती है। पीली पीली जो ज़मीन है वो दिखती है, क्योंकि गर्मी के टाइम पर ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे हैं सब सूख जाते हैं, और जो ये बड़े पेड़ हैं इनके जो पत्ते हैं वो पूरी तरह से जड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर बंजर छा जाता है पूरी धरती पर। और अभी आप देख रहे हो जुलाई ख़त्म होने वाला है, आज लास्ट तारीख है 30 तारीख, और जुलाई ख़त्म होने वाला है और 2 दिन के अंदर अगस्त महीना लगने वाला है 2023। तो दोस्तों जब मैं दुखी होता हूँ, सैड होता हूँ, तो इस पहाड़ी के ऊपर मैं आकर बैठ जाता हूँ और बैठकर मैं अपने विचारों को चारों तरफ घुमाता हूँ और सोचता हूँ कि कहीं न कहीं कोई न कोई तो ज़रूर है। अपने दिल को तसल्ली देने वाला कोई न कोई तो ज़रूर है, चाहे वो आसमान की तरफ हो, चाहे वो धरती की तरफ हो, ऐसा कोई जो सबको एक समान देखता है, सबको एक समान चाहता है और सबको एक समान प्यार करता है, ऐसी कोई चीज। इंसानों में मतभेद आते रहते हैं, कई जगहों पर मैं देखता हूँ और बहुत सारे लोगों को भी मैं समझता हूँ और उनकी बातें उनके विचार भी मैं समझता हूँ। अलग अलग विचार सबके पास होते हैं, कोई किसी के साथ शत्रुता करता है तो कोई किसी के साथ मित्रता कर देता है। दोस्तों मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही सफ़र चले हैं, मैं 28 साल का हूँ दोस्तों, तो मैंने ऐसे कई सफ़र देखे। दोस्तों बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा दुखी रहा हूँ, और दुखी क्यों हूँ इसका एक ही कारण है दोस्तों, गरीबी। दोस्तों हमारे माता पिता गरीबी में जिए, पले बड़े हुए, वही गरीबी हम लोगों तक पहुँच गई। और इतनी गरीबी कि कभी कभी हम लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता है। जब हम बचपन के थे दोस्तों, ऐसी गरीबी हम लोगों ने देखी है, हमारे परिवार वालों ने देखी है, हमारे भाई बहन ने देखी है और हमारे माता पिता ने देखी है। दोस्तों मैं बचपन में यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ, पला बड़ा यहाँ पर हुआ हूँ,
जो जिस गांव में मैं रहता हूँ दायला गांव में उसमें। और दोस्तों मेरा जो वास्तविक जो गांव है वो है नेगड़िया दोस्तों, तो वहाँ पर मेरे पापा रहते हैं और यहाँ मेरी माँ दोस्तों। तो मैं यहाँ इस जगह पर रहता हूँ दायला गांव में। तो ये जो कुछ रहने की कुछ मेरे को तारीख याद है दोस्तों, सन 1998 में मैं शायद यहाँ पर रहना स्टार्ट किया हूँ। 95 में मेरा जन्म हुआ है दोस्तों, तो 98 में मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहीं पर मैंने स्कूल में पढ़ाई की है और यहीं से मैं बड़ा हुआ दोस्तों। दोस्तों मैं अपनी लाइफ की कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ। और हम जैसे लोग, मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि कष्ट से हमेशा भुगते हैं, दुखी से हमेशा रहे हैं और गरीबी में उनका जीवन चल रहा है दोस्तों। मेरे मित्र हैं जो यहाँ रहते हैं दोस्त लोग, तो वो भी इसी कंडीशन में जी रहे हैं, बहुत ही गरीबी कंडीशन में जी रहे हैं। वक्त का दोस्तों, वक्त जो होता है वो चलता रहता है हमेशा। हमारा भी वक्त चला था, हम छोटे छोटे बालक थे, हम खेलते कूदते एक साथ थे और फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए दोस्तों, घर की जो कंडीशन होती है हमारे दोस्त लोगों की और हमारी सेम है। उनके भी माता पिता गरीब थे और हमारे भी माता पिता गरीब थे, तो हमको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, हम आगे नहीं पढ़ पाए। जैसे हम होशियार हुए तो हमें काम पर जाना पड़ा, क्योंकि माँ बाप की तकलीफ़ हमें देखी नहीं जाती जब हम क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, इसीलिए उनकी तकलीफ़ हमें देखी नहीं जाती, इसीलिए हम लोग काम पर लग गए दोस्तों। और काम पर लगते लगते हम आज यहाँ तक पहुँच गए, बहुत ही बुरी कंडीशन में हम जिए हैं दोस्तों। जब हम बचपन में छोटे थे तो मेरा दोस्त और मैं जब छोटे छोटे बालक थे तो हम रोटी के लिए तरसते थे। एक सूखी रोटी कई पड़ी मिल जाती किसी के घर, अगर हम जाते हैं तो सूखी रोटी अगर वहाँ पर दिख जाती तो हम बांट कर उसको खा लेते। और दोस्तों मेन जो बात है वो यह है कि हम जिस रोटी को खाते थे वो रोटी सूखी रहती थी, और उस रोटी से जब हम दांत से चबाते थे तो उसमें से आवाज़ आती थी कट कट करने की, क्योंकि रोटी सूखी हुई थी, दांत की दबाने की वजह से वो रोटी कटती थी तो उसकी आवाज़ आती थी कट कट। तो ऐसी गरीबी स्थिति में हम जिए हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, बड़े होते गए, पर फिर भी एक और भी चीज़ भी बहुत सी कमी रहती थी दोस्तों, सब्ज़ी की। माँ जो होती है कहीं से कुछ खाना की व्यवस्था कर देती है, पर दोस्तों मेन चीज़ होती है सब्ज़ी। और सब्ज़ी को तो दोस्तों हम कभी कभी देखते थे, कभी कभी 4-5 दिन में एक बार सब्ज़ी हमें मिलती थी, बाकी दोस्तों खाटी छाछ होती है उससे हम रोटी खाते थे हमेशा पहले। तो दोस्तों क्या बताएं, हमारी लाइफ की जो कहानी आप लोग सुनेंगे ना तो शायद प्रयास नहीं कर पाओगे आप भी कि कैसी लाइफ हम लोग जीते हैं दोस्तों। ये ऐसी जो कहानियां हैं दोस्तों, मेरे की अकेले की नहीं है, बहुत सारे लोग जो है गांव बस्ती में रहते हैं जो कि एक छोटी फैमिली के हैं, फिर भी उनका कंडीशन जो है इसी तरह जी रहा है, चल रहा है दोस्तों, जैसे कि मेरा चल रहा है। दो वक्त की रोटी कमाने में उनको दोस्तों सुबह से शाम लग जाता है, और वही थोड़ा सा पैसा उनको मिलता है दोस्तों, तो वो अपना घर गुजारा चलाते हैं। तो जितने भी मेरे बस्ती में लोग हैं, और दोस्तों मेरे गांव के क्या अदर जो गांव होते हैं उनके ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो कि उनका जीवन बिल्कुल ख़राब चल रहा है, और वो दो वक्त की रोटी के लिए भी कभी कभी तरस जाते हैं दोस्तों। तो ऐसी हम लोगों की लाइफ है। तो ये दोस्तों हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, पर हम किसको बोल सकते हैं, परमात्मा है। लोग कहते हैं कि भगवान है, किसी को गरीब बना देता है, किसी को अमीर बना देता है। तो अब हम ये भी साबित नहीं कर पाते हैं कि हम लोगों को भगवान ने बनाया है, और भगवान ने अगर बनाया है तो गरीब क्यों बनाया दोस्तों, इसका कुछ हम साबित नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कुछ जो साइंस की जानकारी भी अगर हम
रखें तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भगवान ने गरीब और अमीर बनाया। दोस्तों ये दोस्तों है वर्ण व्यवस्था की बात आ सकती है, अगर हम कुछ जानकारी कर रखना चाहते हैं और अगर आप लोगों को ये बताएं तो। ये सिर्फ वर्ण व्यवस्था की बातें हैं, जब वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ था तो उसी समय ये गरीबी और अमीरी और जो अलग अलग जो परिवार हैं वो बढ़ चुके हैं, तो ये गरीबी अमीरी हर लोगों के हर क्षेत्र में छा गई। दोस्तों ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा, पर दोस्तों मेन बात यह भी आ रही है कि आप लोग मेरे वीडियो को नहीं देखते हो और ना ही आप सपोर्ट करते हो। अच्छे लोग जो वीडियो बना रहे हैं उनको आप सपोर्ट कर रहे हो। हाँ दोस्तों एक ख़ास कमी मेरे में ये रहती है कि मैं जिस वीडियो शूट करता हूँ तो मोबाइल के ज़रिए शूट करता हूँ तो मेरा वीडियो जो है अच्छा कैप्चर नहीं होता है, धुंधला सा आता है, तो इसीलिए आप लोग नहीं देखते हो। ऐसा भी होता है और ज़्यादातर लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो जो चलते हैं शॉर्ट में या लॉन्ग में तो वो आप देखते हो। और आजकल दोस्तों क्या है ना कि जो लड़कियां होती है वो वीडियो अच्छा से अच्छा बनाती है, एडिट करती है अच्छे से और कोई अच्छा सॉन्ग लगाकर वीडियो जब अपलोड करती है तो आप लोग बहुत ज़्यादा देखते हो। तो उसके लिए मेरी ये कोई शिकायत नहीं है आपसे कि आप लड़कियों की वीडियो देखते हो, चलता दोस्तों सबका अधिकार होता है, सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है और वीडियो जो है सब कोई हर कोई बना सकता है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो सब बनाए। और दोस्तों मेरी तो यही प्रार्थना हमेशा रहेगी कि सबके वीडियो चले और सबको अच्छे अच्छे व्यूज़ मिले दोस्तों। पर हम जैसे गरीब जो वीडियो बनाते हैं दोस्तों तो हमारा एक सारा छोटा सा होता है कि आखिर हमें भी एक मौका मिले अच्छा कर्म करने की और YouTube पर हम कुछ काम कर सकें। दोस्तों ज़्यादा कुछ हम उसे नहीं प्राप्त कर पाएंगे पर फिर भी हम जब आज हम गरीबी स्थिति में जी रहे हैं तो क्या पता हमें एक अच्छा अवसर मिल जाए कि हम थोड़ा अच्छा कुछ खा पी लें। दोस्तों मैं जहाँ काम पर जाता हूँ मैं काम करता हूँ, आप लोगों ने कई वीडियो में मेरे को देखा होगा, मैं काम करता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, ईंट की चुनाई, पत्थर की चुनाई, प्लास्टर, मार्बल लगाना, टाइल्स लगाना, ये सब मैं काम करता रहता हूँ दोस्तों। तो हम जब सुबह निकलते हैं घर से तो दोस्तों टिफिन मिलता ज़रूर है पर ये फिक्स नहीं है कि आज हमें सब्ज़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि इसमें रहस्य ये होता दोस्तों कि पैसा नहीं होने के कारण हम कुछ सब्ज़ी नहीं ला पाते हैं। तो जब हम काम पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ दिन में जब हमारी 1 बजे छुट्टी होती है खाना खाने की तो हम लोग कभी नमकीन से है या कभी कभी मिर्ची से है ऐसे रोटी खाते हैं दोस्तों। तो अब आगे क्या बताएंगे दोस्तों, ऐसी जो स्थितियाँ हैं बहुत ही है पर क्या बताएंगे आप लोगों को, थोड़ी कुछ मैं आप लोगों को जानकारी बताया हूँ दोस्तों। तो आप अगर थोड़ा सा भी हम जैसे गरीबों पर अगर आपको रहम आता हो तो हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और अच्छे से अच्छे व्यूज दीजिए दोस्तों ताकि हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं और आगे भी अच्छा काम करें। अच्छा काम क्या दोस्तों, हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उसको थोड़ा लिखाएंगे तो वो जाके थोड़े अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर सकेगा दोस्तों, पत्थर नहीं डालेगा इस तरह से, कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाती दोस्तों। इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारी माता पिता की लाइफ जिस तरह से गुजरी है ठीक है, उसके बाद हम लोगों की जैसे गुजरी है और गुजर रही है जैसे और ठीक है हम बर्दाश्त कर रहे हैं, पर ये नहीं चाहते कि हम लोग हमारी जो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उस चीज़ तरह से इसी स्थिति में जिए दोस्तों। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करोगे दोस्तों। और चलो दोस्तों बहुत अंधेरा हो गया है और मैं थोड़ा कुछ बाहर का वातावरण आप लोगों को दिखा देता हूँ और मैं यहीं पर बैठा हूँ दोस्तों पहाड़ी के ऊपर, मैं आपको आसपास का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखो ये मेरे इस पहाड़ी के आसपास का व्यू है और थोड़ा सनडाउन हो गया है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो जो धरती है वो साफ तरीके से दिखाई नहीं देगी, धुंधली दिखाई दे रही है। और इधर देखो इस साइड नादवारा है, नादवारा जो शहर है सिटी, तो वहाँ पर देखो शिव मूर्ति सामने वो लगी हुई है। थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये मेरे घर से मेरे गांव से दिखती है दोस्तों।
ये देखो अभी उस लाइट जल रही है ना, ये देखो शिव मूर्ति दिख रही है ना दोस्तों, ये है शिव मूर्ति नालद्वारा में। और ये देखो मेरा सामने मेरा ये छोटा सा एक घर बना हुआ है और सामने है शिव मूर्ति दोस्तों। तो बस आज इस वीडियो को समाप्त करेंगे। Thank you.